जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हुए थे। शुभम गुप्ता की शहादत से आगरा में मातम पसरा है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं राजौरी में बलिदान हुए कैप्टन शुभम गुप्ता के पैतृक आवास ताजगंज के प्रतीक एनक्लेव पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। योगी सरकार के मंत्री परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक उन्हें सौंपने पहुंचे थे। उनके साथ साथ फोटो सेशन कराने वाले भी पहुंचे और इस दौरान वहां पे फोटो सेशन का माहौल शुरू हो गया। इस दौरान कैप्टन की मां ने बिलखते हुए कहा, प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा शुभम लौटा दो। मां की पुकार सुनकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को कुछ नहीं सूझा। मौके पर जुटी भीड़ की आंखें भी डबडबा गईं। शहीद कैप्टन की मां एक ही रट लगाए जा रही है, मुझे मेरा बेटा शुभम लौटा दो। मां की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद शुभम गुप्ता के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 50 लाख की सहायता राशि देने पहुंचे थे। शहीद कैप्टन की मां ने चेक लेने से इनकार कर दिया। मां के मना करने के बाद पिता को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। योगी सरकार की घोषणा के मुताबिक पैतृक गांव में शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। परिजनों को सांत्वना देने के बाद घर से निकले मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी को देश प्रेमी बताया। उन्होंने कहा कि आगरा के लाल की शहादत को सलाम है। मंत्री ने कहा कि आगरा मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद के नाम पर रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने परिवार को चेक देने के नाम पर फोटो सेशन कराने का आरोप लगाया है। आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है कि मंत्री शहीद के परिवार को अपमानित करने के लिए माफी मांगे। सपा ने कहा कि बीजेपी वाले शहीदों के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें।